हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज सॉरी आप देख रहे हैं ऑटोमेक चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाटा टियागो के IRVM के बारे में। IRVM मींस इनसाइड रियर व्यू मिरर, और जो ये वाला मिरर होता है इसको बोलते हैं ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो IRVM ये स्पेशली वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी अभी नई गाड़ी सीखी है, और नई गाड़ी सीखने के बाद उन्होंने जो टियागो ली है। और टियागो में जो इस मिरर जो है IRVM का, इसका मेन काम क्या है? तो सबको पता है कि ये IRVM जो है वो रियर व्यू में जो हमारा रियर व्यू होता है उसको देखने के लिए होता है इनसाइड व्हीकल। बट जैसे हम डे टाइम में ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा तो ये वाला मोड रहेगा, आप पीछे देख पा रहे हो जो हमारा रियर स्क्रीन है। बट हमारे यहाँ पे एक यहाँ पे बटन दे रखा है, आप देखोगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे प्रेस करने के बाद अब सेम वही विंडो दिख रही है पीछे। आपको शायद ब्लैक दिख रहा होगा बट विंडो दिख रही है। बट ये नाइट विजन के लिए है कि नाइट में जब आप ट्रैवल करते हो तो क्या होता है कि गाड़ी अगर आपके पीछे होती है तो ये रिफ्लेक्ट करता था। अगर आप इस मोड पे चलते तो जो हेडलाइट की जो बीम्स होती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती हैं जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जिससे हमें चलाने में मुश्किल होती है। तो इसको एंटी ग्लेयर मिरर बोलते हैं। जब ये हम इसको इस तरह से कर देते हैं तो इट मीन्स हमें अभी भी बैक दिख रहा है, बट हम इसको डे टाइम में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डे टाइम में हमें ये खुद ही नहीं दिखेगा, बहुत विजिबिलिटी कम हो जाती है। ये सिर्फ नाइट के लिए, क्योंकि हमें नाइट में इसकी ज़रूरत होती नहीं है इतनी। तो इसलिए, क्योंकि ये एंटी ग्लेयर मिरर होता है, अब इसको एंटी ग्लेयर मिरर में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं जो हेडलाइट की जो बीम्स होती हैं, जो रेज होती हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि किस तरह से मिरर को सेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।